अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शहज़ादा ढाबा एंड ब्लॉग चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत, वेलकम और इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हुई ये फिरनी की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, इसको मैंने इंस्टेंट बनाया है। गेस्ट आने से आधा घंटा पहले मैंने इसको प्रिपेयर किया है, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, इसको आप अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो ईद त्यौहार या कोई भी आपके घर में गेट टुगेदर हो, कुछ भी हो, आप इसको एज ए स्वीट डिश बना के सबको खिलाएंगे तो सबको बहुत अच्छी लगेगी। और ये फिरनी जो है वो होती तो है स्वीट डिश की बॉस। तो इसकी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इससे पहले मेरे चैनल शहज़ादा ढाबा एंड ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने बायो में दे रखा है। बहुत से लोग इसे खीर भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे फिरनी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, मदर डेरी का फुल क्रीम वाला। जी, आपके पास अगर पहले से दूध रखा हुआ है जिसमें मलाई हो वही वाला यूज़ कीजिएगा, फुल क्रीम या फिर मलाई वाला ही दूध इसमें आप यूज़ कीजिएगा। उससे जो है वो हमारी फिरनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत क्रीमी बनती है। तो बस इसको बॉयल होने तक वेट करेंगे और फिर इसमें और चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो उससे पहले मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आप लोगों की फेवरेट स्वीट डिश क्या है। तो दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 जो है वो कटोरी ऐड की है, थोड़ा सा मीठा इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। साथ में हम कुछ इलायची को जो है इस तरीके से क्रश कर लेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इलायची का फ्लेवर तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा मज़ेदार होता है और इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आती है। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपकी नारियल घिसने की जो है वो झंझट ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा यही करती हूँ कि नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ इस तरीके से, और इसको ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा मिल्क या पानी डाल के इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेते हैं। इससे होता यह है कि नारियल जो है चबाने की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, बिल्कुल आपको लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नारियल घिसा हुआ है, अब कितना फाइन घिसा हुआ है। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा, मैं हमेशा अपनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप से भी कम चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, अब उसी ग्राइंडिंग जार में हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो उन चावलों को भी इसमें ऐड कर दिया है, और जो नारियल मैंने पीसा था उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक दूध आधा ना हो जाए, बिल्कुल फिरनी जो है वो बिल्कुल गाढ़ी होने ना लगे। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे एक अच्छी खुशबू देने के लिए केवड़ा वाटर, या आप सबके घर में ज़रूर अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। 1 ढक्कन हमने इसमें डाल दिया है केवड़ा वाटर। तो ये इससे जो है वो खुशबू स्वीट डिश में बहुत अच्छी आती है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको बिल्कुल भी हम नीचे से लगने नहीं देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कंडेंस मिल्क। जी, यहाँ पर 1/2 कप मैंने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पे 1/2 कटोरी खोए का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर खोया आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चिरौंजी जो है वो डाली है, और उसके बाद हम थोड़े से बादाम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपके घर में सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम को भी हल्का सा काट लिया है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से, और इसमें आप ऐड कर दीजिए और इसको चलाते रहिएगा और गाढ़ी होने का वेट करेंगे। तो लगभग जो है वो हमारी फिरनी पक चुकी है, और इस जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी अभी अगर आपको थिक नहीं भी लग रही है तो ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको एक इस तरीके से बाउल में या किसी भी बर्तन में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, और इसको हम जो है वो अभी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के एक बर्तन में जो है वो फिरनी को अपनी ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें हम लगाएंगे चांदी का बर्फ। तो ये बहुत अच्छा लगता है, किसी भी स्वीट डिश में आप अगर चांदी का बर्फ लगाते हो तो उसकी खूबसूरती डिश की
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है और गेस्ट के सामने भी एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो हमारी फ्रीनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस ठंडा होने तक का इसका वेट कीजिए और फिर इसको आप खाइए, सबको खिलाइए, अपने गेस्ट को या अपने घर में किसी को भी खिलाइए। बहुत टेस्टी बनती है और ये इंस्टेंट ही बन के तैयार हुई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ, चैनल को चेक कीजिए, फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने बायो में दे रखा है इंस्टाग्राम का। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।